नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी, जेई सबके लिए दोस्तों रेलवे में पूछे गए सख्ती से क्वेश्चंस, यानी कि दोस्तों ये विज्ञान के क्वेश्चंस हैं, साइंस के क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं। लगभग दोस्तों इसमें जो है 15 के करीब में न्यूमेरिकल होंगे, बाकी सब दोस्तों जो है आपके जो सख्ती से जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको हम यहाँ पर ले रहे हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं, ये 8 नंबर जो है सेट है। तो देखेंगे सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो आपका न्यूमेरिकल नहीं है, पूछा आपसे जा रहा है कि जो है कार्य करने की जो दर है कहलाती है, क्या कहलाती है। तो दोस्तों ये जो है कार्य करने की दर जो है शक्ति कहलाती है, तो ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसको सूत्र को याद रखिएगा, कार्य करने की दर जो कहलाती है शक्ति कहलाती है। नेक्स्ट बात करेंगे शक्ति को किस रूप में व्याख्यायित किया जाता है, ऑप्शन आपके दे रखा है, शक्ति को किस रूप में जो है व्याख्यायित करते हैं। तो दोस्तों जो है कार्य करने की दर अथवा जो है ऊर्जा जो है स्थानांतरण, यानी दोस्तों जो ऑप्शन नंबर है वो आपका सी है। अभी हमने बात किया कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं दोस्तों, तो ये ऊर्जा स्थानांतरण की दर को भी शक्ति कहते हैं। तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों कार्य करने की दर या ऊर्जा स्थानांतरण को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन रिपीट रहेगा, बस इधर उधर करके देगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे यदि कोई कारक टी, ठीक है, समय में डब्लू कार्य करता है तो उसकी पावर होगी, पावर इज इक्वल टू क्या होगा। तो दोस्तों पावर इज इक्वल टू जो हो जाएगा आपका कार्य बटा के समय, क्या कार्य करने की दर ही तो होती है, तो कार्य बटा के समय, कार्य बटा के क्या हो जाएगा टाइम हो जाएगा, यानी कि समय हो जाएगा, समय हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो है यहां भी आपका सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे शक्ति बराबर क्या है डब्ल्यू बाई टी, जहां डब्ल्यू का अर्थ दोस्तों कार्य है, क्या है डब्ल्यू का अर्थ क्या है वर्क है, यानी डी यहां पर राइट आंसर होगा, यहां पर डी ऑप्शन सही होगा। कार्य करने की गति कहलाती है, कार्य करने की जो गति है वो क्या कहलाती है, तो कार्य करने की गति दोस्तों यहां पर जो है क्या है, वही बात यहां पर हो रही है जो है आपका क्या हो जाएगा, यहां पर जो है आपका हो जाएगा शक्ति कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे निम्न में से कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति को मापती है, फिर वही बात आ गया, ये घूम फिर के वही शक्ति का ही बात आ रहा है, तो यहां पर आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे शक्ति का सूत्र क्या है, सूत्र है डब्ल्यू बाई टी, क्या है डब्ल्यू बाई टी है, यानी कार्य बटा के समय है, यानी कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी, बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है बी बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि किए गए कार्य की दर कहलाती है, यही है यहां पर क्या हो जाएगा ए शक्ति कहलाती है, यानी डब्ल्यू बाई टी, ठीक है, यानी कार्य करने की दर को दोस्तों कहते हैं शक्ति, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों यहां पर क्वेश्चन आ चुका है जो न्यूमेरिकल है, मोहन का वजन दोस्तों 40 किलोग्राम है तथा जो है वह 10 सेकेंड में जो है 50 सीढ़ियां चढ़ जाता है, 10 सेकेंड में 50 सीढ़ी चढ़ जा रहा है, यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो मोहन की शक्ति पूछ रहा है, तो शक्ति बराबर क्या होता है, पहले हमको कार्य निकालना होगा, शक्ति बराबर होता है क्या कार्य बटा के समय, क्या होता है कार्य बटा के समय होता है, तो कार्य क्या है, कार्य जो स्थितिज ऊर्जा होगा वही होगा, यानी कि इसको कार्य लिखिए या MgH लिखिए, स्थितिज ऊर्जा लिखिए, और समय दोस्तों क्या है, समय जो है आपका 10 जो है सेकेंड कर रहा है, ठीक है 10 सेकेंड क्या कर रहा है, 10 सेकेंड का दोस्तों जो है 50 सीढ़ियां चढ़ जाता है 10 सेकेंड में, ठीक है, तो 10 सेकेंड यहां पर हो जाएगा। और दोस्तों यहां पर क्या होगा, गुणा के दोस्तों आपको 100 करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए यहां पर क्या 40 किलो का वजन है, 10 सेकेंड में जो है 50 सीढ़ियां चढ़ जाता है, यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई जो है 15, तो यानी कि दोस्तों यहां पर आप जो है इस फॉर्मूला को तोड़िए, पहले एम क्या दिया 40 किलोग्राम, यानी 40 और जी आपका 10 दिया ही है, तो 10 और ऊंचाई कितना है, ऊंचाई दोस्तों यहां पर जो है 15 सीढ़ी है, लेकिन दोस्तों 15 सेंटीमीटर की सीढ़ी है, लेकिन दोस्तों क्या है 50 सीढ़ी है, तो 50 सीढ़ी के लिए दोस्तों जो है आपको 50 से जो है गुणा करना पड़ेगा, तो यहां पर दोस्तों क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा और गुणा के आपका 100, यानी इसको डायरेक्ट काटिए तो 10 से ये डायरेक्ट कट जाएगा, उसके बाद दोस्तों 50 को और जो है 100 को काट सकते हैं, 2 हो जाएगा, इससे काटेंगे दोस्तों यहां पर 20 हो जाएगा, 20 का 15 में गुणा करेंगे तो 15 दुना के आपका क्या होता है
30 और एक जीरो बढ़ा देंगे, यानी 300 वाट राइट आंसर आएगा। 300 वाट यहाँ पर राइट आंसर आएगा दोस्तों, यानी यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है सी यहाँ पर बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई लड़का जो है 4 मिनट में 600 न्यूटन बल के साथ 20 मीटर की दूरी तय करता है, ठीक है, तो लड़के द्वारा खपत की गई शक्ति की मात्रा, शक्ति बताना है, तो शक्ति माने कार्य जितना करेगा उस कार्य करने की दर को जो है क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। तो लड़के द्वारा दोस्तों समय कितना लिया जा रहा है, यानी दोस्तों लड़के द्वारा जो समय लिया जा रहा है 4 मिनट का समय लिया जा रहा है, और मिनट यानी सेकंड में इसको बदलेंगे दोस्तों, तो 4 × 60 करेंगे यानी 6×24 यानी कि 240 सेकंड का समय लिया जा रहा है। न्यूटन दोस्तों कितना कार्य कर रहा है, ये दोस्तों जो है न्यूटन जो समय ले रहा है, मतलब कितना न्यूटन का दोस्तों बल लगा रहा है, तो 600 न्यूटन का जो है बल लगा रहा है, और तय की गई दूरी कितना है 20 मीटर है, यानी डिस्टेंस जो है ये लड़के के द्वारा जो तय की गई है वो आपका 20 मीटर है। अब यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, शक्ति बराबर क्या होता है, टोटल जो है आपका जो कार्य है और लिया गया समय, तो कुल कार्य कितना कर रहा है, कुल कार्य दोस्तों जो कर रहा है 600 न्यूटन का बल लगा करके जो है विस्थापन या फिर दूरी जितना चला है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये टोटल जो कार्य हो जाएगा 6 × 12 यानी कि 12,000 दोस्तों जो है ये कार्य कर रहा है, ठीक है, न्यूटन मीटर या फिर कहें तो जूल, कार्य का मात्रक क्या होता है जूल, तो 12,000 जो है क्या कर रहा है, जूल कार्य कर रहा है, और दर लिया गया समय कितना है 240 सेकेंड, काटिए बस आपको सीधे पता चल जाएगा, तो यहाँ पर आपका 12×24 होता है, तो यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 1 यानी 100/2 यानी कि क्या हो जाएगा आपका 50 जो है वाट राइट आंसर आएगा, 50 वाट राइट आंसर होगा, या फिर वाट को लिखते हैं जूल बटा के सेकंड या जूल प्रति सेकंड, तो राइट आंसर दोस्तों आपका ए हो जाएगा, ए यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 50 kg द्रव्यमान का एक लड़का 40 सीढ़ियाँ जो है 9 सेकंड में चढ़ता है, यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेमी है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। तो पहले आप जो है दूरी यहाँ पर देख लीजिए क्या हो रहा है, तो दोस्तों यहाँ पर जो है क्या कर रहा है, 40 सीढ़ियाँ चढ़ रहा है और 15 की प्रत्येक हैं, यानी कि टोटल जो सेमी में चढ़ रहा है वो आपका हो जाएगा 600 सेमी, यानी कि मीटर में बात करें तो 6 मीटर हो जाएगा। अब दोस्तों इसके द्वारा शक्ति जो है बताना है कि उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए, शक्ति बराबर क्या होता है कार्य, यानी कि दोस्तों mgh लगाएंगे बटा के समय, तो m यानी द्रव्यमान कितना है 50 kg इंटू आपका g कितना है, g जो है आपका 10 है, और जो है h जो आपको ऊंचाई हो जाएगा 6 मीटर हो जाएगा, मीटर में ही आपको ज्ञात करना होगा। और दोस्तों आपका समय कितना लग रहा है, समय दोस्तों जो है आपका लग रहा है 9 सेकंड लग रहा है, तो दोस्तों इसको 3 से डायरेक्ट काट दीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3×9 = 3×2, यानी दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर आएगा 3×3 = 3×3, और मात्रक क्या होता है शक्ति का वाट, यानी राइट आंसर दोस्तों आपका ए हो जाएगा, ए यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, दिया तो सब 3×3×3 ही है, लेकिन दोस्तों जो है आपका वाट जो राइट आंसर है यानी ए वाला राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, उस भौतिक मात्रा का नाम बताएं जो बल और वेग के गुणनफल के बराबर होता है, तो बल और वेग के गुणनफल के बराबर शक्ति होता है, यानी कि राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, क्या होता है शक्ति जो होता है वो कितना बल और जो है वेग के गुणनफल के बराबर होता है, याद रखेंगे ये भी फॉर्मूला कहीं ना कहीं आपका यूज़ हो जाएगा, पी बराबर एफ वी, तो ये दोस्तों आपका सी राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 40 केजी भार वाली लड़की, 40 केजी यानी एमजीएच ही लगेगा यहाँ पर दिख रहा है, वाली लड़की जो है 6 सेकंड में 5 मीटर तक जो है ऊंची होने वाली सीढ़ी पर तेजी से चढ़ रही है, उसके द्वारा विकसित जो है शक्ति बताना है, तो एमजीएच यानी 40, ऊंचाई क्या है दोस्तों यहाँ पर जो है 4 सेकंड में, तो 4 सेकंड में एम जी एच यानी कि आपका जी जो है यहाँ पर आप 10 रख दीजिए, और आपका एच जो है वो 5 मीटर है, और 4 सेकंड समय में ये, यानी कि यहाँ पर आप डायरेक्ट जो है काट सकते हैं,
ये क्या हो जाएगा 10 बार में, यानी कि 10 क्या हो जाएगा 100, 100 का गुणा 5 में करेंगे यानी 500 वाट यहाँ पर राइट आंसर आएगा। क्या आएगा 500 वाट यहाँ पर राइट आंसर आएगा। कुछ नहीं करना है, जो हम फॉर्मूला लगा रहे थे वही है, मतलब W के लिए MGH लगाए हैं और बेटा की दर यानी समय की बात हो रही है। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, 50 kg द्रव्यमान का एक लड़का क्या कर रहा है, 50 kg द्रव्यमान का लड़का 45 जो है सीढ़ियां 10 सेकंड में चढ़ता है, 45 सीढ़ियां जो है 10 सेकंड में चढ़ रहा है, प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई यहां पर आपका 16 सेमी कर दिया है, उसकी शक्ति ज्ञात करना है। यहां पर दोस्तों वही करना है आपको, MGH करना है, पहले इसका जो है सेमी में है ना, तो 16 सेमी क्या कर रहा है प्रत्येक जो है, एक सेकंड पहले हम दूरी यहां पर निकाल लेते हैं, दूरी क्या हो जाएगी, पूरी ऊंचाई जो हो जाएगी वो 45 सीढ़ी है और जो है क्या हो जाएगा 16 सेमी जो है का है, यानी कि 16 16 32 और 43 16 16 16 85 80, यानी यहाँ पर ये हो जाएगा 80 हो जाएगा और 8 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप 16 16 32 और 43 16 16 64, तो 64 और 8 का कितना हो जाएगा आपका 64, 6 आपका हो जाएगा आपका 70, 70 दो 72 यानी 720, यानी दोस्तों ये आप सेंटीमीटर के लिए, तो आपका 7.2 राइट आंसर जो है मीटर में होगा, क्या होगा 7.2 जो है मीटर हो जाएगा। चलिए अब आगे यहाँ पर जो है वर्क बराबर क्या हो जाएगा MGH, ठीक है, तो दोस्तों उसके बटा के समय कर देंगे, यानी M यानी कि द्रव्यमान, द्रव्यमान यानी 50 kg। अब दोस्तों आपका M यानी द्रव्यमान, द्रव्यमान यानी 50 kg का व्यक्ति है, गुणा के 10 जो है उसका क्या है, उसका जो है गुरुत्व जो आपका यहाँ पर G का मान दिया हुआ है, और हाइट कितना है, हाइट हम निकाल चुके हैं 7.2, यानी 10 का गुणा इसमें कर दिया यानी 72 गुणा के 50, और समय कितना लग रहा है तो 10 सेकंड का समय लग रहा है, यानी कि दोस्तों 10 से ये जो है 50 को काट दिए 5 बार में, 5 का गुणा 72 में हो जाएगा, 5 का गुणा क्या हो जाएगा 72 में हो जाएगा, यानी राइट आंसर आ जाएगा 5 दुना के 10 और 1 हो जाएगा 5 7 35 1 36, यानी 360 जो है वाट राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, औसत शक्ति निम्न में से किसके बराबर है, औसत शक्ति जो है किसके बराबर, तो औसत शक्ति बराबर क्या होता है, जो कार्य किए रहेंगे कुल और बटा के दोस्तों क्या होगा आपका समय होगा, तो दोस्तों जो है आपका क्या हो जाएगा औसत शक्ति हो जाएगा, यानी दोस्तों जो है कार्य या फिर ऊर्जा भी कहते हैं इसको, तो जो है कुल जो है प्रयुक्त ऊर्जा, यानी डी में दिया है कुल प्रयुक्त तो ऊर्जा बटा के कुल समय, कुल रहेगा ना औसत बराबर कुल कार्य या फिर कुल ऊर्जा बटा के आपका कुल समय लगा समय, तो यहां पर आपका डी राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 kg भार वाला एक लड़का, ये सीढ़ियों पे काफी क्वेश्चन आ रहा है तो इस पे ज्यादा कर लेंगे तो आसानी होगी, तो पहले हम देखेंगे सेकंड ओकंड में दिया है कि नहीं, मीटर में दिया कि नहीं दिया है, तो यहां भी आपको जो है क्या करना, 40 सीढ़ियां है तो 40 गुणा के जो है आपको 15 करना पड़ेगा, ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि कितने जो है, तो 15 15 30 15 45 15 64, यानी कि दोस्तों जो है यहाँ पर 6 मीटर आपका हो जाएगा ऊंचाई, यानी MGH यानी 50 गुड़ा के क्या हो जाएगा आपका G यानी कि 10 और H यानी कि 6, और ये कितना समय लग रहा है 10 समय लग रहा है, तो 10 से 10 डायरेक्ट काट दीजिए और 5 6 30 यानी 300 वाट राइट आंसर होगा, और यहाँ पर हमको सी सीधे ही दिखाई दे रहा है, तो सी बिल्कुल ही राइट आंसर आपका हो जाएगा जो है 300 वाट यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो कभी कभी क्या है रिपीटेड क्वेश्चन देता है, कभी कभी क्या होगा कि जो है आपको नंबर सिर्फ चेंज रहेगा, बस जिस पे आप लगाए रहेंगे वही क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, 50 kg भार का एक लड़का 45 चरणों की सीढ़ियां 9 सेकंड में चढ़ जाता है, प्रत्येक चरण की ऊंचाई मतलब वही स्टेप जो है का ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो उसकी शक्ति पता लगाएं, शक्ति वही बताना है, तो दोस्तों यहां पर पहले हम जो है दूरी कितना हो रहा है ये देख लेंगे, तो क्या होगा 45 गुणा के क्या होगा 15, तभी हम मीटर में निकालेंगे, तो 15 25 75 यानी 5 7 हो जाएगा, 15 15 30 15 45 15 64 60, 60 और 7 67, यानी दोस्तों जो राइट आंसर आएगा वो मतलब यहाँ पर जो आपका दूरी आ रही है वो 6.75 आ रहा है, तो अब दशमलव में आने लगा, तो यहाँ पर क्या होगा MGH, अब वही फार्मूला लगाएंगे MGH यानी M into क्या हो जाएगा G यानी 10, M आपको 50 दिया है, 10 जो है आपका G दिया है, और H आपका ये हम निकाले हैं, H है ये ऊंचाई या फिर दूरी कुछ भी कहें,
6.75, ठीक है। तो ये दोनों जीरो हम ले लेते हैं और इसका हटा देते हैं, यानी 675 गुणा के 5 और गुणा के 1 करने की ज़रूरत नहीं है। और बटा के दोस्तों समय कितना लग रहा है, 9। तो यहाँ पर दोस्तों जो है अब डायरेक्ट जो है भाग करके देखिए, यहाँ पर आपका राइट आंसर आएगा 375 वाट। 375 वाट इसका राइट आंसर आएगा, यानी कि दोस्तों जो राइट आंसर है वो आपका डी है। इसका दोस्तों राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 40N का भार जो है वाली कोई लड़की है, न्यूटन की बात हो रही है, 40 न्यूटन की भार की कोई लड़की है, ठीक है, 160 वाट की शक्ति से 20 सेकंड में रस्सी पर चलती है, तो वह कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकती है, मतलब सकेगी, ऊंचाई पता करना है। यानी दोस्तों यहां पर क्या क्या दिया है अगर हम देखें तो यहां पर दोस्तों आपका MGH जो है इसमें ऊंचाई H पूछ लिया है, H कितना होगा, तो दोस्तों हम यहां पर जो है शक्ति बराबर क्या होगा, शक्ति बराबर आपका जो है यहां पर आपका MGH बटा के क्या हो जाएगा आपका T हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका शक्ति दिया है वो आपका बताया है कि 160 जो है वाट की शक्ति लगा रही है, ठीक है, 160 वाट दिया है। एम आपका दिया है कि नहीं, एम जो है आपका दिया है यहाँ पर 40 और 10 जो है आपका क्या हो जाएगा जी, और एच आपसे पूछा है, और समय कितना लग रहा है, समय दोस्तों 20 सेकंड का लग रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों इसको जो है उधर नीचे कर देंगे, क्या हो जाएगा 160 गुड़ा के आपका 20, और ये दोस्तों नीचे चले जाएंगे, नीचे चलेंगे यानी ये 40 और गुड़ा के 10। अब इसको काट दीजिए सीधे, ये आपका 2 यहाँ पर बच जाएगा, इससे दोस्तों सीधे काट दीजिए, यानी कि यहाँ पर आपका जो है 20 हो जाएगा, 20 से ये 0 काट दीजिए और यहाँ पर आपका 8 आ जाएगा। डायरेक्ट दोस्तों जो H बराबर आ रहा है वो आपका 8 मीटर आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर जो है आपका सी हो जाएगा, 8 मीटर राइट आंसर होगा, 8 मीटर बस काटम कुट्टी करना है, जो MGH बाई टी है उसी में रख करके। नेक्स्ट बात करेंगे, 50 केजी द्रव्यमान का जो है एक लड़का, यहाँ पर आपका 44 सीढ़ियाँ हैं, तो 44 सीढ़ियाँ सेंटीमीटर में दिया होगा, बिल्कुल दिया है, जैसा आशा है वैसा ही किया है। तो 15 के गुणा करेंगे तो 15×4=60, 6×6=66 यहाँ पर हो जाएगा, यानी 6.6 जो है मीटर यहाँ पर आपकी हो जाएगी H, यानी MGH बाई टी, तो यानी कि M क्या है 50 और G आपका 10 और आपका क्या हो जाएगा H, यानी 6.6। अब बटा के समय कितना समय ले रहा है, ये समय 10 सेकंड का समय ले रहा है, कुछ नहीं, ये आप 10 इसको दे दीजिए, 66 हो जाएगा, और इसको आप जो है, या फिर आप जो है इसका, सॉरी हाँ ये ही सही रहेगा, यहाँ पर दोस्तों जो है डायरेक्ट 10 इसको दे दिया और इससे जो है आप 10×10 काट दीजिए, यानी 66 गुड़ा के आपका 5 हो जाएगा, यानी कि 5×6=30, 3 हो जाएगा 5×6=30, 3×33, यानी 330 वाट राइट आंसर होगा, 330 वाट जो है राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी राइट आंसर होगा, 330 वाट। नेक्स्ट बात करेंगे, यदि कोई एजेंट समय जो है टी में वर्क माने काम जो है डब्लू करता है तो पावर क्या होगी, पावर क्या थी भैया, यहाँ पर यही थी डब्लू बाई टी, कुछ भी होगा डब्लू बाई टी, यानी डी राइट आंसर होगा, डी यहाँ भी राइट आंसर होगा, कुछ नहीं फार्मूला पूछ रहा है, डब्लू बाई टी पावर यानी शक्ति का फार्मूला पूछा जा रहा है आपसे। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर 50 जो है केजी का वेट है एक लड़का और 10 सेकंड में जो है क्या, ये सीढ़ी वाला क्वेश्चन फिर आ गया, तो यहाँ पर जो है आपका सेंटीमीटर में दिया है, बिल्कुल सेंटीमीटर में दिया है। अब 15×45 यानी 5×4 हो जाएगा और 15×6=60, 4 आपका 64 हो जाएगा, यानी यहाँ पर बहुत भयंकर दिया, ये आपका H बराबर दे दिया है। अब क्या होगा, M यानी 50 गुणा के आपका क्या हो जाएगा M और आपका 10 हो जाएगा G और H क्या हो जाएगा 6.45 और समय कितना लग रहा है, समय 10 सेकंड का लग रहा है, ठीक है। तो अब क्या करिए कि ये दोस्तों जो उठा करके 10 और ये 10, ये दोनों जीरो हम इसको दे दे रहे हैं तो ये 645 बन जाएगा, ठीक है। और दोस्तों ये 645 बन गया, अब ये कुछ बचेगा नहीं, यहाँ पर 5 है तो सीधे काट दीजिए 2, यानी 645 का भाग दे देंगे, दो जो है भाग दे देंगे 645 में 2 का भाग, तो यहाँ पर आपका 3 आ जाएगा, फिर आप उतारेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 बार में कट जाएगा, फिर उसके बाद जो है 2 बार में कटेगा
फिर दोस्तों आपका एक आएगा नहीं, यहाँ पर 322.5 वाट जो है ये राइट आंसर होगा, 322.5 राइट आंसर होगा, सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो है क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एक अधिक शक्तिशाली इंजन कम समय में अधिक कार्य करता है, जैसे एक हवाई जहाज कार की तुलना में कम समय में अधिक दूरी तय करता है, अतः हवाई जहाज कार से अधिक शक्तिशाली है, यह निम्न में से किसका उदाहरण है। तो दोस्तों ये उदाहरण किसका है, तो ये दोस्तों जो उदाहरण है वो आपका शक्ति का उदाहरण है, इसकी शक्ति जो है ज़्यादा है, ठीक है, यानी W बाई टी का ये उदाहरण है, P बराबर जो है W बाई टी। नेक्स्ट बात करेंगे 80 केजी की वस्तु जो है को 40 मीटर की ऊंचाई तक जो है लगभग 50 सेकंड में ऊपर उठाने हेतु औसत शक्ति, यानी कुल औसत शक्ति मतलब कि क्या होगा, कुल जो है कार्य जितना हो रहा है या फिर ऊर्जा जो लग रहा है और आपका बटा के आपका समय, कुल समय, तो यहाँ पर क्या होगा एम जी एच आपका दिया ही है, तो एम यानी 80, जी यानी कि 10 होगा और एच जो है ऊंचाई जो हो रहा है वो 40 मीटर की ऊंचाई पे, ठीक है, और लगभग जो है 50 सेकेंड जो है में ऊपर उठाने हेतु औसत शक्ति पूछ रहा है, तो 50 सेकेंड यहाँ पर लगभग लग रहा है, तो यहाँ पर हम जो है 10 से 10 काट देंगे और 5×8=40 होता है, यानी यहाँ पर आपका 8 हो जाएगा, 8 का गुणा दोस्तों 80 में यानी 0×8 आपका 64 हो जाएगा, यानी दोस्तों आपका जो है राइट आंसर आएगा वो आपका 640 राइट आंसर होगा, 640 यहाँ पर राइट आंसर होगा जूल, 640 आपका जूल राइट आंसर होगा, सॉरी जूल प्रति सेकंड राइट आंसर होगा, वाट इसको कहते हैं जूल प्रति सेकंड, यानी यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट और जो आपका लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका फॉर्मूला ही पूछ लिया गया है, निम्न में से कौन सी शक्ति का सूत्र है, पी बराबर क्या होता है W/T, यानी काम हो रहा है और जो है यहाँ पर दोस्तों 100 ऑप्शन में कहीं दिया ही नहीं है, तो सी ऑप्शन में करेंगे। तो दोस्तों देखिए ये सब क्वेश्चन थे जो कि आपके रेलवे में पूछे गए हैं, रेलवे में दोस्तों ये सभी क्वेश्चन रेलवे में बार बार पूछे गए हैं। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये हमारा सेट, हमारे क्वेश्चन का सेट आपको पसंद आएगा, 8 नंबर। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड शेयर।